अस्सलाम वालेकुम। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए अंडर 60,000 60,000 के अंदर कौन से फ़ोन बेस्ट है वीडियो लेकर आया हूं। पांच फ़ोन मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से दो फ़ोन न्यू हैं, दो यूज़ में हैं और एक आपके लिए किट मोबाइल में लेकर आया हूँ, क्योंकि किट मोबाइल का भी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जब से ये डॉलर प्राइस और टैक्सेस हाई हुए हैं पाकिस्तान में। तो चलिए पब्लिक वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, दो न्यू फ़ोन जो है ना, ये मुझे सेलेक्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि न्यू फ़ोन आजकल बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं आ रहे हैं। यूज़ फ़ोन और किट मोबाइल आपको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डब्बा पैक फ़ोन परचेस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नंबर वन पे जो मैंने न्यू फ़ोन सेलेक्ट किया है वो है शाओमी रेडमी नोट 11 प्रो 59999 इसकी प्राइस है, यानी कि 60,000 इसकी ऑफिशियल प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 55,000 का आराम से मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे तो 1-2,000 मजीद डिस्काउंट भी मिल सकता है इस पे आपको। तो इसमें जो चिपसेट लगी है वो है हीलियो G96 12nm वाली, आपको एक अच्छी गेमिंग परफ॑ॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगी। 40 FPS पे आपको पबजी का गेम प्ले करा देगी। 12nm पे बेस है ये, और 128GB की इसमें आपको स्टोरेज मिलेगी और 6GB की इसमें आपको रैम मिलेगी। डिस्प्ले इसमें आपको सुपर एमोलेड 6.67 इंचेस का 1080p 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ HDR10 की सपोर्ट के साथ मिलेगा। तो डिस्प्ले भी इसका पब्लिक अच्छा है। कैमरा इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलेगा। फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। कैमरा परफॉर्मेंस भी इस प्राइस रेंज में इस वक्त जो न्यू फ़ोन अवेलेबल है सबसे बेस्ट आपको मिलेगी। 5000mAh की बैटरी 67W के चार्जर के साथ मिलेगी, तो चार्जर भी 67W का है। ओवरऑल पब्लिक ये न्यू फ़ोन में इस प्राइस रेंज में बेस्ट फ़ोन है, आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको न्यू फ़ोन की तरफ जाना है। इनफिनिक्स 020 जो है मेरी सेकंड पिक है न्यू फ़ोन में, 59999 इसकी भी प्राइस है, 8000 इसकी प्राइस है। ऑफिशियल आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 55,000 का मिलेगा। अगर आप बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं तो वही बात है, 1000-2000 का डिस्काउंट और भी आपको मिल सकता है, लेकिन 55,000 में ये बिल्कुल आराम से आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा पैसे आपने पे नहीं करने हैं इसके लिए। चिपसेट इसमें आपको हीलियो G996NM वाली मिलेगी, पब्लिक चिपसेट ये G96 से बहुत बेटर है, क्योंकि ये 6NM पे है, वो 12NM पे है। ये हीट भी कम होती है, आपकी बैटरी कंजप्शन भी कम होगी इसमें, तो ये एक अच्छी चिपसेट है। आपको 40 FPS पे पबजी गेम प्ले करा देगा। डिस्प्ले इसमें आपको सुपर एमोलेड 6.67 इंचेस का 1080p 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगी। 256GB आपको इसमें स्टोरेज मिलेगी, 8GB की इसमें आपको रैम मिलेगी। ये भी एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि इसमें स्टोरेज ज़्यादा है, रैम आपको ज़्यादा मिल जाएगी। कैमरा इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का आपको AF ऑटो फोकस सेंसर मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलेगा। कैमरा पब्लिक इसका थोड़ा हल्का है, जो पहला फोन मैंने बताया उससे। फ्रंट पे पब्लिक 60 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलेगा आपको, लेकिन OIS इसका वीडियो में काम नहीं करता है, सिर्फ पिक्चर्स में आपको काम देगा। ये गलत चीज़ है, अगर OIS दिया है तो वीडियो में भी उसको अप्लाई करना चाहिए, तय इसका डाउनग्रेड है। 4500mAh की बैटरी 45W के चार्जर के साथ आपको मिलेगी। तो न्यू फ़ोन ये सेकंड पिक है जो इस प्राइस रेंज में बेस्ट है। आप इसे अगर डब्बा पैक फ़ोन आपको बाय करना है तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। पब्लिक थर्ड पिक जो मेरी है वो है Xiaomi 11 Lite NE, 60,000 में ये आपको यूज़ में आराम से मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन में। चिपसेट इसमें पब्लिक 778G6NM वाली है, बहुत बेहतरीन चिपसेट है 700 सीरीज की। ये आपको फ्लैगशिप से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देती है, लेकिन आपको हाईफाई सेटिंग में पबजी करा देगा। ये आपको 60 FPS पे पबजी करा देगा स्मूथ के साथ, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इस चिपसेट की बहुत अच्छी है प्राइस रेंज के हिसाब से। डिस्प्ले इसमें आपको एमोलेड 6.55 इंचेस का 1080p वाला मिलता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और HDR10 की सपोर्ट भी है इसमें। 128GB की स्टोरेज है, 8GB रैम है। कैमरा इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिलता है इसमें। फ्रंट पे 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और
4250 mAh की आपको बैटरी मिलेगी 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। तो ये यूज में जबरदस्त पिक है, आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो चौथा फोन भी पब्लिक यूज में है, सैमसंग का A52s आपको 60,000 में यूज में आराम से मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन में। चिपसेट 778G 6nm वाली है, बेहतरीन चिपसेट है 700 सीरीज की। पबजी ये आपको 60 fps पे करा देगा। डिस्प्ले इसका 6.5 इंच का सुपर एमोलेड 1080p 120Hz वाला है और 128GB स्टोरेज है, 8GB रैम है। इसमें कैमरा, इसमें 64MP का मेन कैमरा है, 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5MP का डेप्थ सेंसर है, 5MP का मैक्रो कैमरा है। तो सैमसंग का पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़बरदस्त है, आपको कैमरा रिजल्ट इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप बेस्ट कैमरा फोन बाय करना चाहते हैं तो ये अच्छी च्वाइस होगी आपके लिए। और इसके अलावा फ्रंट पे 32MP का सेल्फी कैमरा आपको अच्छी सेल्फीज भी प्रोवाइड कर देगा। फिंगर प्रिंट इसका आपको अंडर डिस्प्ले वाला मिलेगा और 4500 mAh की बैटरी आपको 25 वॉट के चार्जर के साथ मिलेगी। चार्जिंग स्पीड कम है लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन इसकी बहुत अच्छी है पब्लिक। खास तौर पर कैमरा इसका ज़बरदस्त है, प्रोसेसर भी इसका ज़बरदस्त है, आप यूज़ में बिल्कुल इसे बाय कर सकते हैं। एक पांचवा फ़ोन जो मैंने आपके लिए इसमें सेलेक्ट किया है वो है मोटोरोला एज प्लस चिपसेट। इसमें आपको फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 865 7nm वाली मिलेगी। इन जितने भी फ़ोन ऊपर सेलेक्ट किए ना सब में बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगी, बेहतरीन चिपसेट है। आपको 90 fps पे ये पबजी गेम करा देगा स्मूथ के साथ और 256GB आपको इसमें स्टोरेज मिलेगी, 12GB की रैम मिलेगी पब्लिक। इसमें आपको स्पेसिफिकेशन वाइज ये सबसे हाई फोन है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि किट मोबाइल आपको कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। कैमरा इसमें 108MP का मेन कैमरा है, 8MP का टेलीफोटो कैमरा है और 16MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। कैमरा भी सब फोनों में ज़बरदस्त सीसी का है। फ्रंट पे पब्लिक 25MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा आपको जो बेहतरीन सेल्फीज आपको प्रोवाइड करेगा। बैटरी इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी आपको 18W के फास्ट चार्जर के साथ। पब्लिक चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम है इसकी लेकिन बाकी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है पब्लिक बहुत हाई फाई है। मेरी सजेशन की बात आ जाती है कि मैं कौन से ज़्यादा सजेस्ट करूँगा इसमें, तो फर्स्ट दो फोन जो है वो तो आप स्किप कर दें। पब्लिक नहीं सजेशन तो यही है, आप यूज फोन की तरफ जाएं, किट मोबाइल की तरफ जाएं, जो तीन एंड के फोन है उसमें से कोई सा भी आप पिक कर लें जबरदस्त रहेगा। खास तौर पे जो मेरी चॉइस है ना, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन सा परचेज करता, मैं जाता मोटोरोला एज प्लस की तरफ। फ्लैगशिप प्रोसेसर ना, 256GB की स्टोरेज, 12GB की हाई फाई रैम और कैमरा ज़बरदस्त 108MP का मेन कैमरा, 8MP का टेलीफोटो कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा 16MP का और कर्व डिस्प्ले के साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको इसमें मिलेगा, 25MP की बेहतरीन सेल्फी कैमरा मिलेगा, बैटरी भी बड़ी है। इसमें चार्जिंग स्पीड पर थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि खैर है, बस थोड़ा सा किट मोबाइल में ये रिस्क होता है कि ये अनऑफिशियल तरीके से पैच करके PTA अप्रूव किया जाता है, तो उस वजह से नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि प्रॉब्लम आएगी, चांस होता है एक, लेकिन वो उसके साथ भी आप गुजारा कर सकते हो। कभी कभार अगर हफ्ते में एक दफ़ा को थोड़ा सा सिग्नल में इशू आ गया तो कोई बड़ी डील नहीं है। पब्लिक हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, आप इन पाँच फोन में से कोई भी अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। ये 50 से 60 हज़ार के दरमियान बेस्ट फोन है इस वक्त मार्केट में। ये पब्लिक, अगर आप चैनल पे न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।